सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय अदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे बींग्स की जो कि यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर यूज करके। सो पहला है अजूरा और उसका अपोनेंट है ओडिन। लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दोनों के पावर लेवल्स को बताऊँगा और उसके बाद आप ही डिसाइड करिएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वरना So without wasting any further ado, let's begin. तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन और पहला होगा अजूरा। तो अजूरा की सबसे बड़ी पावर तो यही है कि वो जितना गुस्सा होता है वो उतना ही पावरफुल बनता जाता है। अजूरा ने अपने गुस्से के बदौलत ही चक्रवर्तिन को मार दिया था जो कि यूनिवर्स का क्रिएटर है। उसने वेजन को सिर्फ अपने पंचेस से मार दिया था जो कि अर्थ के साइज के बराबर था। और अजूरा जब गुस्से में होता है तो उसको कंट्रोल कर पाना किसी के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल है। अजूरा को मारा नहीं जा सकता है, वो इमॉर्टल है और उसके अंदर कोई सोल ही नहीं है। तो जिसके अंदर सोल ही नहीं है उसको मारा कैसे जा सकता है। अजूरा की पावर्स लिमिटलेस है। अजूरा के पावर्स का मेन सोर्स है मंत्रा ऑफ नॉर्थ जो कि अजूरा की पावर्स को एम्पलीफाई करता है। अजूरा इन्हीं की वजह से एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इस पावर की वजह से अजूरा बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। यहाँ पे अजूरा के पास कोई वेपन नहीं है, उसके हाथ ही उसके वेपन्स हैं और अजूरा लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे अजूरा के काफ़ी सारे फॉर्म्स भी हैं जैसे वज्र अजूरा, बेयर सीकर अजूरा, मंत्रा अजूरा, लेकिन जो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म है वो है अजूरा द डिस्ट्रॉयर जिसकी मदद से उसने चक्रवर्तिन तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे अजूरा एक सुप्रीम बीइंग लेवल का बन जाता है और उसकी बॉडी को भी हार्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अजूरा के कुछ पावर्स की। तो अजूरा की पावर्स में आता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, रीजनरेशन, इमॉर्टैलिटी, उसके पास फ्लाइट की एबिलिटीज़ भी हैं। तो ये तो हमने बात कर ली अजूरा की, तो अब हम लोग चलते हैं उसके अपोनेंट की तरफ जो कि है ओडिन। ओडिन सबसे वाइज और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन गॉड है। ओडिन के पास वास्टर रेंज ऑफ पावर्स हैं और वो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एस्गार्डियन भी है। और आपको मैं बता दूँ कि एस्गार्डियंस में ये है कि वो अगर जितना ओल्ड होते हैं उनकी पावर्स उतनी इंक्रीज होती है। ओडिन एक नॉर्मल एस्गार्डियन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओडिन 90 टन्स ऑफ वेट बहुत ही आसानी से उठा सकता है और वहीं एक एवरेज एस्गार्डियन सिर्फ 30 टन्स ऑफ वेट उठा सकता है। और यहाँ ओडिन अपनी कोई भी पावर्स यूज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है। ओडिन के रिफ्लेक्सेस थॉर से भी ज़्यादा फास्ट हैं और सिल्वर सर्फर और जितने भी कॉस्मिक बींग्स हैं उनके अटैक का भी ओडिन पे कोई असर नहीं होता है। ओडिन के पास एक वेपन है जिसका नाम है गुंग मीर जो वो डेंजरस कंडीशंस में यूज करता है। ओडिन फिजिकल फाइट बहुत ही कम करता है क्योंकि उसके पास ओडिन फोर्स की पावर है जिसकी मदद से वो वास्ट कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। ओडिन फोर्स की हेल्प से ओडिन डिफरेंट डायमेंशंस के लोगों का माइंड रीड कर सकता है, पावरफुल फोर्स फील्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है, पावरफुल फोर्स ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी मदद से ओडिन ने सिल्वर सर्फर को एक शॉट में ढेर कर दिया था। ओडिन फोर्स की मदद से ओडिन अपने साइज को भी चेंज कर सकता है, अपने आप को और अपने अपोनेंट को कहीं भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकता है। ओडिन किसी भी टाइप की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और इनमें मैजिकल एनर्जीज भी आती हैं। ओडिन टाइम को भी रोक सकता है और उसे रिवर्स भी कर सकता है और ओडिन टाइम फील्ड्स भी जनरेट कर सकता है। ओडिन नए वर्ल्ड्स को भी बना सकता है, गैलेक्सीज तक को रिपेयर कर सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली ओडिन की कुछ पावर्स की। तो अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो स्ट्रेंथ के मामले में तो अजूरा ओडिन पे भारी पड़ सकता है क्योंकि जहां ओडिन सिर्फ अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ से 19 टन्स ऑफ वेट उठा सकता है, वहीं अजूरा ने तो सिर्फ अपने हाथों की मदद से वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में वेजन को मार दिया था जो कि अर्थ से ज्यादा बड़ा था। स्पीड के मामले में तो दोनों ही बराबरी पे आते हैं और दोनों ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर पावर्स की बात करूं तो अजूरा के पास है मंत्रा मैनिपुलेशन और ओडिन के पास है ओडिन फोर्स, तो दोनों की पावर्स बहुत ही ज्यादा है। लेकिन
ओडिन फोर्स में ज्यादा पावर्स है। वो टाइम को बेंड भी कर सकती है और उसको रिवर्स भी कर सकती है, और वो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। तो पावर वाला राउंड तो ओडिन को ही जाता है। तो अब अगर मैं इंटेलेक्ट की बात करूं, तो अजूरा अपना इंटेलेक्ट कभी भी यूज़ नहीं करता है। वो जितना गुस्सा होता है वो उतना ही पावरफुल बनता जाता है। और यहाँ अगर मैं ओडिन की बात करूं, तो ओडिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी है, या फिर गॉड कह लीजिए आप। ओडिन कई हज़ारों सालों से लड़ रहा है, उसको एक्सपीरियंस भी बहुत है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। उसको हर फील्ड की नॉलेज है, इसलिए वो ऑल फादर बन पाया था। तो कंक्लूजन में तो स्ट्रेंथ और स्पीड में मेरे ख्याल से अजूरा आगे है, और पावर्स और इंटेलेक्ट में ओडिन आगे है। लेकिन ये तो सिर्फ मेरा एक कंपैरिजन था। आप किसी भी कैरेक्टर को हेट मत देना, और आप चाहें तो आप भी अपना ओपिनियन डाल सकते हैं कमेंट्स में, और जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वही जीतेगा। सो या फ्रेंड्स, दिस इज द कंप्लीट वीडियो। होप यू लाइक दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।